इनका कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई बहन। न जाने कब कौन से एंगल से कब आ जाए, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। लोग ये कहते हैं कि मृत्यु हमसे कह के नहीं आती, ये गलत है। यहां हम लोग कुंभ में धर्म कमाने आए हैं, क्या करने आए जोर से बोलिए। और भगवान की कथा, यहां पर कथाओं का भी कुंभ है, कितनी हजार कथाएं हो रही कोई गिन नहीं सकता, हर जगह पर कथा हो रही। तो आज इस कुंभ का आखिरी सोमवार है, तो भगवत भक्तों को भगवान ने प्रेरणा दी कि आज सबको तो महाकाल का दर्शन हुआ नहीं होगा, हो गया सबको आज? आज किस किस ने किया है नीचे करो, और कौन कौन नहीं करके आए दर्शन। चलो आप दोनों हाथ जोड़ो और भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपको यहीं करवा देते हैं, क्योंकि आखिरी सोमवार है। कथा चलती रहेगी, दर्शन आप करते रहे, ध्यान आपका कथा में होना चाहिए। आइए सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़कर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् भवम् भवानी सहितम् भवम् भवानी सहितम्। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केश सफेद हो गए तो उनको लगा के मनु जरटपन अस उपदेशा, ये उपदेश है उस आयु का जो हम सबको वृद्ध अवस्था की तरफ ले जाती है और बता देती है कि अब हमारा समय बहुत कम रह गया है, तो हमें कम समय में ज्यादा बड़े सत्कर्म करने चाहिए। महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने सभासदों से पूछा कि मेरे हृदय में एक बात आ रही है, एक बहुत कि मेरी ये अवस्था अब बढ़ती जा रही है, आप मुझे विचार दीजिए, सलाह दीजिए कि आप नहीं चाहते कि राम हमारे शासक बने और राम शासक बनकर आपके ऊपर राज्य करे और फिर हम भी भगवत भजन करके अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर निकल पड़े। जितने भी सभासद थे, जितने भी लोग थे, मानो दशरथ जी ने सबके मन की बात कह दी हो। सब तो यही चाहते हैं कि भगवान राम हमारे ऊपर शासक बनकर राज्य करें, भगवान राम हमारे शासक बने, राजा बने। सबने कहा महाराज हम तो यही चाहते हैं कि करोड़ों करोड़ों वर्ष आप जीवे, लेकिन कब से ये इच्छा है कि भगवान श्री राम हमारे ऊपर शासन करें। तो सबकी जब इच्छा देखी, वैसे तो हम सबके ऊपर भी राम का ही शासन रहे तो ज्यादा अच्छा है। जो भक्ति में चलते हैं, जो सद्मार्ग पर चलते हैं, उनके हृदय में राम ही राज्य करते हैं। जो भक्ति का परित्याग कर देते हैं, जो सद्मार्ग का परित्याग कर देते हैं, उनके जीवन में माया राज्य करती है, या तो मायापति राज्य करे या माया राज्य करे, ये दोनों में से एक तो होगा ही। गुरु जी के पास में गए और गुरु जी से जाके जब ये संदेश कहा कि अब मैं ये चाहता हूं कि श्री राम अवध के राजा हों, कृपा करके आप हमें आज्ञा दें, सलाह दें, विचार दें कि हम क्या करें। दशरथ जी महाराज से गुरुदेव वशिष्ठ कहते, देखिए एक बात याद रखो, बिना गुरु के कोई काम अपने जीवन में मत करो।
जब भी कोई कार्य आप बिना गुरु के करते हो वो कार्य पूरा होगा कि नहीं, इसमें डाउट हो जाता है। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद अपने जीवन में ले लो तो बड़े से बड़ा कार्य भी निर्विघ्न हो जाता है, और ये मेरे जीवन का चमत्कार मैंने खुद ने देखा है। जब भी कोई कार्य करने जाओ गुरु की कृपा अवश्य होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा जरूर होनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, वार्तालाप नहीं। आजकल ये बात मैं कह देता हूं तो कई लोगों को लगता है कि महाराज जी सिर्फ अपने को सुनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, के लिए हम इनके शिष्य हमारी बात माने। इतिहास पढ़ो, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। रामायण पढ़ो, दशरथ का डिसीजन है, राजा का डिसीजन है कि राज्य किसको देना, उनका अपना खुद का डिसीजन है, उन्हें गुरु जी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन राम जी के पिता गुरु जी का इतना सम्मान करते हैं, ये राम जी के पिता की बात है। राधे राधे, जोर से बोलो। राम जी के पिताजी भी गुरु जी के पास जाते और गुरु जी से पूछते, मैं अपने राम को राज्य देना चाहता हूं, गुरुदेव आपकी आज्ञा क्या है? गुरुदेव कहते हैं ये तो बहुत सुंदर विचार है, इससे श्रेष्ठ विचार कुछ हो ही नहीं सकता। अपने जीवन को, अपने सब कुछ राम के चरणों में अर्पण करने से बढ़िया और क्या हो सकता है? तो गुरुदेव कोई मुहूर्त निकाल दीजिए, बोले सुदन सुमंगल तवई जब राम होए युवराज। श्री राम को राज्य अभिषेक के लिए मंगल के शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। देखो बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी ने झूठ बोला, गुरु जी की निकाली हुई मुहूर्त भी झूठी हो गई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कल मुहूर्त है, कल राज्य दे दो। गुरु जी ने तो मुहूर्त निकाला ही नहीं, गुरु जी ने तो कह दिया सुदिन सुमंगल तबई जब, शुभ घड़ी वही है जिस घड़ी राम राज्य अभिषेक स्वीकार हो जाए, जब राम गद्दी पर बैठ जाए वही मंगल है। ओहो, तो बोले महाराज कल, बोले बिल्कुल कल। राम जी को जाके जरा आप थोड़ा ज्ञान दे दे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, मौन व्रत रखें और थोड़ा जो संयम है। गुरु जी गए और जैसे ही सुना गुरु जी आए हैं, राम जी द्वार आए पद नायउ माथा, सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, प्रभु तात जी प्रभु कीन सने हो, भयउ पुनीत आज गृह। श्री राम माँ जानकी के साथ द्वार पे आके प्रणाम करते हैं, और द्वार पे आके प्रणाम करते हैं, कहते हैं नियम तो यह गुरुदेव आप मुझे बुला लेते, दास हाजिर हो जाता, लेकिन प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहु, आपने अपनी प्रभुता का मान सम्मान त्याग कर इस दास के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, आज ये पवन, आज ये जो जहां मैं रहता हूं ये स्थान पवित्र हो गया। गुरुदेव ने सारी बात बताई तो राम जी ने एक हल्का सा प्रश्न किया, गुरुदेव हम लोग सब एक साथ चारों भाई जन्म लिए, चारों भाई एक साथ पढ़े, चारों भाई एक साथ विद्या अध्ययन किए, इवन लगन भी चारों भाइयों का एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ, ये रघुकुल में सब बराबर हुआ, लेकिन ये तो बड़ा मंगल हो गया, बड़े को छोड़कर, तीनों को छोटों को छोड़कर सिर्फ बड़े को ही राज्य दे रहे, ये परंपरा तो ठीक नहीं, थोड़ा बदलना चाहिए। गुरु जी बोले नहीं, ये परंपरा है, बड़े को ही राज्य मिलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो नियम बताया उसका पालन करो। ठीक, चले गए। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे प्रभु राजा बनेंगे, मैं वहाँ चमर लेके प्रभु की सेवा में आज रहूँगा। आजकल के भाई को कह दे पिताजी ने बड़ी कोटी बड़े भैया को दे दी है, छोटी कोटी तुम्हें दे दी है, झट पिताजी का ही सर काट दे आजकल का भैया, काटेगा कि नहीं? पिताजी को घर में ना घुसने दे, निकलो यहाँ से, इस बड़े के ही साथ रहो। सूर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब, सूर नर मुनि सबके यह रीति, सब स्वार्थ से प्रीति करते बंधु, सब स्वार्थ से। लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हैं कि अब प्रभु हमारे राजा होंगे और हम सेवक बनकर उनकी सेवा करेंगे, बड़े प्रसन्न हैं। उसी समय बंधु राम जी ने कहा कि मंथरा को कुछ मत कहना, मंथरा को हमेशा नजर बंद रखते थे, क्योंकि जानते वो बहुत
लक्ष्मण जी से कह के उनको छुड़वा दिया। एक प्रसंग आता है, एक दासी ने ले जाओ भैया, हो गए दर्शन हो गए। एक दासी ने जब कौशल्या माँ को, एक बहुत प्यारा प्रसंग है, अलग सा है, सुनिए जरा। जिस दासी ने कौशल्या माँ को ये कहा कि श्री राम राजा बनेंगे, तो उन्होंने अपना नौलका हार उतार कर उस दासी को दे दिया, वस्त्र इत्यादि भी दे दिए और खूब आभूषण दिए, औरों को भी, जितनी और दासियां थी सबको दिए, और साथ में ये भी कह दिया कि ये तो अभी मैं तुम्हें फिलहाल दे रही हूं, जब राम राजा हो जाएंगे कल, तो आज कल के बाद तुम्हें दासी रहने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें राम से कह के दो चार राज, दो चार गांव दिलवा दूंगी, तुम वहां मेरी तरह राजमाता बनकर काम कर, राज करना, तुम कल के बाद राम राजा हो जाएं, उसके बाद तुम्हें दासी बनने की आवश्यकता नहीं। राम तुम्हें माँ की तरह पूछता है, तुमने बहुत उसका लालन पालन किया है। एक संत ने यहां तक लिखा है कौशल्या जी की यही गलती, एक छोटी सी गलती, क्या थी छोटी सी गलती, ये अपनी दासियों को तो सब कुछ दे दिया, लेकिन केकई की दासी को कुछ नहीं दिया, मंत्रा माओ से माओ के जा रही थी, मंत्रा को कुछ नहीं दिया। व्यवहार भक्ति में और व्यवहार में ध्यान रखो, भक्ति में भगवान के साथ त्रुटि हो जाए तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देता है, लेकिन व्यवहार में संसार के साथ त्रुटि हो जाए तो ये संसार तुम्हें क्षमा नहीं करता, सजा देता है। मरते दम तक ये लोग भूलते नहीं है कि इनने क्या अपराध किया था, मर नहीं जाएंगे तब तक भूलते नहीं है। हमें याद है कि तुमने अपने बच्चे की शादी में हमें नहीं बुलाया था, तुम्हें याद है तुम हमारे यहां नहीं, बुलाने से नहीं आए थे, पैरों में स्वाफी रख दी थी, टोपी रख दी, पगड़ी रख दी थी, तुम फिर भी नहीं आए थे, हम भूल जाएं क्या इस बात को। भक्ति में कोई अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देता है, लेकिन व्यवहार में अगर कोई अपराध हो जाए तो ये समाज क्षमा नहीं करता, सजा देता है। इसीलिए कलयुग का व्यक्ति भक्ति में केयरलेस रहता है और व्यवहार में केयरफुल रहता है। आप बताइए, व्यवहार में ज्यादा चिंता रहती है कि भक्ति की, बोलो। बेटी की शादी हो तो भगवान को निमंत्रण देते हो, उन्हें बुलाने की चिंता ज्यादा है कि दुनिया वालों को, है ना। तो संसार में रह रहे हो तो व्यवहार कुशल बनो। अब यहां पर बात होती है, एक तरफ तो आप कहते हो महाराज भक्ति करो, दूसरी तरफ कह रहे हो व्यवहार कुशल बनो, ये कैसे कंडीशन होगी। बोले सीधी सी कंडीशन है, हमारा जैसे शरीर दो है ना, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर, वैसे ही मन भी दो है, एक स्थूल मन और एक सूक्ष्म मन। तो स्थूल मन को इस दुनिया में लगा दो, उसे व्यवहार निभाओ, और जो सूक्ष्म मन है उसे भगवान में लगा दो, उसे मत भटकने दो। प्रमाण दूं कि नहीं, प्रमाण दूं? आजकल वो प्रमाण देखने को नहीं मिलते, गांव में चले जाओ, ब्रज में चले जाओ, अभी भी वो प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। जब माताएं मटका पे मटका रख के, हाथ में बाल्टी और लेज लेके, और अपनी सहेलियों के साथ में वार्तालाप करती हुई आती हैं माताएं, तो उनका स्थूल मन में किस में होता है, बोले टॉकिंग, फ्रेंड के साथ वार्तालाप कर रही होती है उसमें रहता है, लेकिन सूक्ष्म मन किस में रहता है, जो घड़े के ऊपर मटकी रखी है ना उसमें। ये उदाहरण है, सबसे पक्का उदाहरण है। अपना स्थूल मन संसार में चाहे लगा दो, लेकिन अपना सूक्ष्म मन परमात्मा में ही लगा के रखो मेरे भैया, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कौशल्या जी से त्रुटि हो गई कि कौशल्या जी ने केकई को नहीं दिया, और ये दासी जब उसके के मंत्रा से जाके मिली, और मंत्रा से मिली तो ये दासी कह रही थी, दासी मंत्रा ने पूछा आज बड़ी खुश हो रही है, बोले देख मुझे नौलखा हार कौशल्या जी ने दिया है, तेरी रानी तुझे क्या देगी, मेरी रानी देख मुझे नौलखा हार दिया, और ये भी कहा है कल से तुझे दासी नहीं रहना, कल से मैं तुझे राम से कह के दो चार राज्य गांव दिलवा दूंगी, तू फिर रानी बन जाइयो और खूब राज्य करियो।
मंत्रा बोली अच्छा मैं करवाऊंगी तो राज्य रुक जा, अगर राज्य में न करूंगी तो राज्य तो वह न कर दूंगी। हमारे ब्रज में एक कहावत है भैया, बिल्ली खावेगी ना तो लुढ़काए तो देगी, बिल्ली के पल्ले कुछ न पड़े तो लुढ़का तो जाएगी, इतना तो कर जाए। दूध गर्म हो बिल्ली आके मुंह मार दे, पी तो सकती नहीं, गर्म है, क्या करेगी, लुढ़का देगी, उसे फैला देगी न मेरे काम का। तो मंत्रा ने वो बिल्ली वाला काम कर दिया। अरे कौशल्या माँ बुला के दो चार साड़ी से भी दे देती, दो चार अंगूठी से भी दे देती, सब काम खत्म हो जाता। व्यवहार कुशल जीवन में रहना जरूरी है, इसलिए व्यवहार कुशल बनना सीखो। प्रथम बार श्री प्रिया कांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, आओ चले श्री प्रिया कांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111221। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराष्ट्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराष्ट्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम झटीकरा वृंदावन रोड, वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 6 रोहिणी नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।